अस्सलाम वालेकुम। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम अपने लेटेक डॉक्यूमेंट में मैट्रिक्स, मैट्रिसेस या फिर एरेज वो कैसे लिखेंगे। अब जैसा कि पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा है कि मैथ्स मोड में एंटर होने के लिए और मैथ्स की सारे कमांड्स और सारे सिंबल्स हासिल करने के लिए हमें एक पैकेज इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है, एमएस मैथ। तो वो मैंने पहले से इंट्रोड्यूस करवा लिए और मैंने डॉक्यूमेंट भी सेव कर लिए फिक्स ट्यूटोरियल के नाम से। तो हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं कि हम मैट्रिसेस कैसे लिखेंगे। अब मैट्रिक्स हम लिखते हैं मैथ्स मोड में, सही है। तो उसके लिए हमें डबल डॉल साइन यूज़ करना पड़ेगा या बैक स्लैश ब्रैकेट वाला साइन यूज़ करना पड़ेगा मैथ्स मोड में एंटर होने के लिए। मैं प्रेफर करता हूँ डबल डॉलर साइन, थोड़ा सा दिखने में भी अच्छा लगता है। तो लेट्स यूज डबल डॉलर साइन टू एंटर द मैथ मोड। अब मैंने एक बनानी है जी, मैट्रिक्स बनानी है मैंने 2x2 की, स्केयर मैट्रिक्स मैंने बनानी है, सही है। तो स्केयर, अब वो मैट्रिक्स बनाने के लिए मैं क्या क्या करूँगा, बैक स्लैश बिगिन। अब मैंने मैट्रिक्स स्टार्ट करनी है ना। मेरे पास तीन तरह की मैट्रिसेस हैं, मेरे पास स्केयर पैरेंथिसिस वाली मैट्रिक्स है, ब्रेसिस वाली मैट्रिक्स है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास ब्रैकेट्स वाली मैट्रिक्स है। तो मैं लेट स्टार्ट विद पी मैट्रिक्स। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, मैंने बैक स्लैश बिगिन पी मैट्रिक्स कर दिए। अब बिगिन पी मैट्रिक्स के एंड पे, जहाँ पे एंड मैट्रिक्स हो रही है, वहाँ पर भी मैं डबल डॉलर साइन लगा के मैथ्स मोड से बाहर आऊँगा। अब मैंने मैट्रिक्स को एंट्रीज कैसे देनी है, सही है। अब एंट्रीज मुझ पर डिपेंड करता है कि मैंने कितनी देनी है, 3x3, 2x2, ओनली 1। अगर मैंने जस्ट 1 एंट्री की बनानी है तो मैं 1 लिख के इसको कंपाइल कर दूंगा, तो मेरे पास 1 की आ गई है। अब अगर मैंने इसको एक रो मैट्रिक्स बनाना है, सही है, रो मैट्रिक्स बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, 2 एंट्रीज, लेट से मैं 3 एंट्रीज की रो मैट्रिक्स बनाना चाह रहा हूँ, तो मैंने 3 एंट्रीज कैसे लिखनी है। अब फर्स्ट एंट्री को दूसरी एंट्री से सेपरेट करने के लिए मैं एम्परसैंड का साइन यूज़ करूँगा, सही है। अब मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा एंड देन थर्ड एंट्री को सेपरेट करने के लिए एम्परसैंड 3 लिख दूंगा। अब जब मैं इसे कंपाइल करता हूँ तो ये मेरे पास एक रो मैट्रिक्स बन गई है। अब ये मैंने पी मैट्रिक्स लिखा था इसलिए ये मेरे पास यहाँ पर पैरेंथेसिस शो हो रही है, सही है। अब अगर मैंने दूसरी रो में एंट्रीज लिखनी है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बैक स्लैश, डबल बैक स्लैश लगा के नेक्स्ट लाइन में एंटर हो जाऊँगा। अब मैं यहाँ पर जो भी लिखूंगा वो मेरे पास नेक्स्ट रो की एंट्रीज है, सही है। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4 एम्परसैंड 5 एम्परसैंड 6। अब ये मेरे पास जो नेक्स्ट रो है ये 3 एंट्रीज मेरे पास उसकी आ गई। इसी तरह अगर मैंने थर्ड रो में एंटर होना है तो डबल बैक स्लैश लगा के 7 एम्परसैंड 8 एम्परसैंड 9। अब ये मेरे पास जो है, मेरे पास थर्ड रो की एंट्रीज आ गई। अब ये मैंने पी मैट्रिक्स यूज़ किया था इसलिए मेरे पास ये पैरेंथेसिस बन रही हैं। अगर मैंने इनकी जगह स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी है या मैंने जो मेरे पास कर्ली ब्रैकेट्स हैं वो लगानी है तो मैं क्या करूँगा, तो अब जब मैंने इनके अराउंड स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी है तो मैं पी को रिप्लेस कर दूंगा बी से, सही है। दोनों में, बिगिन और एंड मैट्रिक्स में, मैं पी को बी से रिप्लेस कर दूंगा। तो अब मेरे पास क्या है, बैक स्लैश बिगिन बी मैट्रिक्स एंड बैक स्लैश बिगिन एंड बी मैट्रिक्स। अब जब मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो आप देख रहे हैं मेरे पास स्क्वायर मैट्रिसेस आ गई। इसी तरह अगर मैंने इनको कर्ली ब्रैकेट्स में लिखना है, कर्ली ब्रेसिस में लिखना है, तो मैं इस बी को कैपिटल बी से रिप्लेस कर देता हूँ, सही है। अब जब मैंने इसे कैपिटल बी से रिप्लेस कर दिया और अब जब मैं इसे कंपाइल कर रहा हूँ तो ये मेरे पास कर्ली ब्रेसिस आ गई हैं। तो इस तरह हम अपनी मैट्रिसेस लिख सकते हैं। आप इसमें जितनी चाहें उतनी एंट्रीज बना सकते हैं, जितनी मर्जी आप इसको कॉलम्स एंड रोज लिख सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं होगा, सही है। ऐसे आप लिखेंगे मैट्रिसेस अपनी। इसको मैं वापस स्क्वायर मैट्रिक्स में कर देता हूँ, वो मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स पैरेंथेसिस वाली में थोड़ी सी अच्छी लगती है, कैची लगती है। अच्छा, अब ये आपने देखी है कि हमने ये मैट्रिसेस तो ऐसे लिखनी है, सही है। अब हमने देखना है कि हम एरेज कैसे लिख सकते हैं इसमें। तो एरेज भी हमारे पास सेम है, एरेज भी हमारे पास मैथ्स मोड में यूज़ होती हैं, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, डबल डॉलर साइन लगा के मैथ्स मोड में एंटर होंगे, सही है। और एरेज लिखने के लिए बैक स्लैश बिगिन एरे। अब मैंने बिगिन एरे कर दिया तो ये मेरे पास जो आगे एरेज के बाद कर्ली ब्रेसिस आ रही हैं 2, इसमें मैंने डिफाइन करना है कि मेरे पास मेरी एरे की कितनी कॉलम्स होंगी,
सही है। अब यहाँ पे मैंने अपने एरे के कॉलम्स डिफाइन करने हैं। अब मैंने कॉलम्स ऐसे नहीं लिख देने कि मेरे पास एक कॉलम होगा, दो कॉलम होंगे, पांच कॉलम होंगे। मैंने कॉलम्स ऐसे डिफाइन करने हैं कि साथ में उनको बताऊं कि इस कॉलम में मेरी जो एंट्री होगी वो राइट अलाइंड होगी, लेफ्ट अलाइंड होगी या सेंटर्ड अलाइन होगी। सही है, तो उससे मैं डिफाइन करूँ। अगर मैं डिफाइन करना चाह रहा हूँ कि मेरी कॉलम की एंट्री लेफ्ट अलाइन हो तो मैं एल लिखूंगा। अगर मैं डिफाइन करना चाह रहा हूँ मेरे कॉलम की एंट्री राइट अलाइन हो तो मैं आर लिखूंगा। और अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे कॉलम की एंट्री सेंटर्ड हो तो मैं सेंटर के लिए सी लिख दूंगा। और जितने कॉलम्स होंगे उतनी बार मैं सी एल या आर लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बनाना चाह रहा हूँ कि मेरे पास चार कॉलम्स का एक एरे हो। सही है, चार कॉलम का मेरे पास एक एरे हो तो उसकी सारी एंट्रीज मेरे पास सेंटर्ड अलाइन हो, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, चार बार सी लिख दूंगा। अब मैंने इसे बता दिया है कि एक एरे स्टार्ट करो, ठीक है, जिसकी चार कॉलम्स हों और चार की चार कॉलम्स में जो एंट्रीज होंगी वो सेंटर्ड अलाइन होंगी। एंड एरे के बाद डबल डॉलर साइन ज़रूर लगाना है मैथ्स मोड से बाहर आने के लिए। अब मैंने एरे एक डिफाइन कर दिया, अब मैंने उसकी एंट्रीज लिखनी है। एंट्रीज लिखने का प्रोसेस सेम मैट्रिक्स जैसा है कि मैट्रिक्स में मैंने जैसे एंट्रीज लिखी हैं इधर भी मैं एंट्रीज वैसे ही लिखूंगा। लेट से जो मेरे पास टॉप वाली रो है उसे मैं ए बी सी डी डिफाइन करना चाह रहा हूँ, ए एम्परसेंट, बी एम्परसेंट, सी एम्परसेंट, डी। ठीक है, अब मैंने जब नेक्स्ट रो में अपनी एंट्रीज डालनी है तो लेट से मैं वो डालना चाह रहा हूँ वन एम्परसेंट, टू एम्परसेंट, थ्री एम्परसेंट, फोर। अब जब मैं इसे कंपाइल करता हूँ तो ये मेरे पास एक एरे बनी हुई आ गई आपके सामने, ए बी सी डी 1 2 3 4। इसी तरह अगर मैं इस डबल बैक स्लैश के बाद अगर इसको एंटर दबा के नेक्स्ट लाइन में ले आऊँ एक अच्छा विजुअल अपने कोड का हासिल करने के लिए, तो फिर भी मेरे पास इधर एरे में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो ये इधर भी अगर मैं ऐसे कर दूँ, ये मेरे पास इधर कोड भी अच्छा हो गया और एरेज भी मेरे पास बन गया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही है, अब मैंने एरे बना लिए। इसी तरह एरे में मैं जितने चाहूँ उतने रोज ऐड कर सकता हूँ, इसमें मेरे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। अब लेट से नेक्स्ट में मैंने 3 4 से आगे 5 एम्परसेंट, 6 एम्परसेंट, 7 एम्परसेंट, 8 लिखना है, तो ये मेरे पास थर्ड रो आ जाएगी। उसकी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जितनी चाहूँ मैं रोज़ बना सकता हूँ। लेकिन अब कॉलम जो मैंने चार डिफाइन कर दिए हैं उससे ज़्यादा मैं कॉलम्स नहीं लिख सकता। अब मैं वन मोर एंट्री नहीं लिख सकता। लेट्स फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं लिखूँ एम्परसेंट एम्परसेंट 5 अगर मैं लिख देता हूँ और जब मैं इसे कंपाइल करता हूँ तो वो मेरे पास एरर दे देता है, एक्स्ट्रा अलाइनमेंट टैब हैज़ बीन चेंज। इसका मतलब है कि मैंने ऊपर तो चार कॉलम डिफाइन किए लेकिन मैं यहाँ पर पांच कॉलम की एंट्रीज लिख रहा हूँ, तो मुझे ये एंट्री ये नहीं लिखने देगा, ये मुझे डिलीट करनी पड़ेगी। तो फिर जब मैं इसे रन करता हूँ मेरे पास कोई एरर नहीं आएगा। सही है, अब एरेज भी लिखना हमने सीख ली है इसमें कि हम एरेज कैसे लिखेंगे, मैट्रिक्स भी आपने लिखना सीख ली है। एक और चीज़ है कि हम टेबल कैसे बना सकते हैं। ठीक है, अब टेबल जो है वो हमारे पास मैथ्स मोड में नहीं होता, तो उसके लिए हमें डबल डॉलर साइन की यूज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मैथ्स मोड में एंटर होने के लिए। टेबल हमारे पास यूज़ होते हैं, हमारे पास स्टेटिस्टिक्स में यूज़ होते हैं। टेबल हमने कुछ शो करने के लिए यूज़ करवाना है अपने डॉक्यूमेंट में, तो टेबल्स हमारे पास डॉक्यूमेंट्स में अक्सर यूज़ होते हैं, तो हम टेबल कैसे बनाएंगे। तो टेबल बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे बैक स्लैश बिगिन टेब्यूलर। से हमने एरेज में डिफाइन किया है कि मेरे पास एंट्रीज जो हैं कॉलम्स की वो सेंटर्ड अलाइन होंगी, लेफ्ट अलाइन होंगी, राइट अलाइन होंगी। इसी तरह यहाँ पर भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि मेरे पास एंट्रीज सेंटर्ड अलाइन होंगी, लेफ्ट अलाइंड होंगी या राइट अलाइंड होंगी। लेट से मैं कह देता हूँ मेरे पास इस बार लेफ्ट अलाइंड एंट्रीज हैं और मैं टेबल बनाना चाह रहा हूँ अपना 6 एंट्रीज का। लेफ्ट रहने देते हैं, राइट कर लेते हैं, मेरे पास राइट अलाइंड है 1 2 3 4 5 एंड 6। मेरे पास 6 एंट्रीज हैं उनका मैंने टेबल, यानी कि मेरे पास 6 कॉलम्स होंगे टेबल के। सही है, और वो सारे के सारे उसकी एंट्रीज मेरे पास राइट अलाइंड होंगी। अब मैं इधर क्या लिखूंगा, लेट से के मेरे पास दो हॉरिजॉन्टल हैं, एक मेरे पास एक एक्स है और देन दूसरा फंक्शन ऑफ एक्स है, या लेट से मेरे पास है जी एक्स है
अब एक्स को मैं मैथ्स मोड में लिखना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट, और मैथमेटिक्स में मैं एक टेबल बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं मैथ्स मोड में एक्स लिख दूंगा। अब ये मेरे पास क्या है, फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट एंट्री मेरे पास आ गई है, सही है। और दूसरे कॉलम में मैं एम्परसैंड के साथ दूसरे कॉलम की एंट्री लिख दूंगा, एम्परसैंड के साथ तीसरे कॉलम की, एम्परसैंड के साथ चौथे कॉलम की, एम्परसैंड के साथ पांचवें कॉलम की। इसी तरह अब ये मेरे पास ने एंट्रीज लिख दी हैं छह कॉलम्स की। फर्स्ट कॉलम में मेरे पास क्या आएगा, एक्स आएगा, देन 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब मैंने नेक्स्ट रो में जाना है तो मैं क्या करूँगा, डबल बैक स्लैश यूज़ करूँगा, सही है। अब मैं यहाँ पर जा रहा हूँ कि मेरे पास जो नेक्स्ट है वो है जी एफ ऑफ एक्स, सही है। और इसमें मेरे पास दूसरी एंट्री जो है वो है एम्परसैंड के साथ, मैंने लिख दिया है जी ए, एम्परसैंड बी, एम्परसैंड सी, एम्परसैंड एम्परसैंड ई। अब ये मेरे पास इसकी एंट्रीज पूरी हो गई। अब मैं इसे कंपाइल करके देखता हूँ मेरे पास क्या आ रहा है, सही है। मैं क्या बना रहा हूँ, मैं एक टेबल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने लेटेक्स डॉक्यूमेंट में। ये मैंने यहाँ पे मैथ्स मोड क्लोज नहीं किया इसलिए ये एरर आ रहा है, तो यहाँ पर अब मैं इसे कंपाइल करता हूँ। तो अब ये मेरे पास एक क्या बन गया है, ये एक टेबल बन गया है। अब मुझे ये टेबल लग नहीं रहा क्योंकि ये डिफाइन मुझे इसमें लाइंस नहीं नज़र आ रही कि कवर्ड नहीं है, ठीक है। अब मैंने इसको एक एक अच्छे टेबल की शक्ल देनी है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके दरमियान एफ एक्स और 1 के दरमियान एफ ओफ एक्स और ए के दरमियान एक यहाँ पर लाइन आ जाए। अब यहाँ पर लाइन डालने के लिए मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास फर्स्ट कॉलम है, राइट अलाइंड फर्स्ट कॉलम। तो अब इस फर्स्ट कॉलम के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक ये लाइन लगा दूंगा, और जब मैं इसे यहाँ पर कंपाइल करूँगा तो ये मेरे पास लाइन आ गई। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर या एंड पर या स्टार्ट में भी लाइन लाना चाह रहा हूँ तो मैं इन सब में कोड में जाके एक एक लाइन इंसर्ट करता जाऊँगा, और ये मेरे पास इधर टैब में इधर लाइन्स आती जाएंगी, सही है। अब मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास ये बिलो भी लाइन आ गई है और यहाँ पर भी लाइन आ गई है, ये साइड्स पर लाइन आ गई है, लेकिन यहाँ पर दरमियान में और ऊपर कोई लाइन नहीं है। अब मैंने अगर इसे एक अच्छे टेबल की शक्ल देनी है तो मुझे यहाँ पर भी लाइन लगानी पड़ेंगी। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास फर्स्ट एंट्री है, सही है, इससे पहले मैं क्या करूँगा, ऊपर एक लाइन लगा दूंगा, कैसे, बैक स्लैश एच लाइन लिख के। अब जैसे ही मैंने बैक स्लैश एच लाइन लिखा, ये देखें ऊपर इसके लाइन आ गई। इसी तरह अगर मैंने दूसरी और पहली रो के दरमियान लाइन लगानी है तो मैं 5 के बाद जो मेरे पास है यहाँ पे बैक स्लैश एच लाइन लगा, ये मेरे पास यहाँ पे बैक स्लैश एच लाइन आ गई। इसी तरह अगर मैंने एफ ओफ एक्स वाली ई के बाद भी लाइन लगानी है तो मैं यहाँ पर जाके बैक स्लैश एच लाइन लिख दूंगा। अब ये मेरे पास एक अच्छा सा टेबल बन गया। इस तरह आप लेटेक डॉक्यूमेंट में अपने टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। अब आपने देख लिया कि अगर आपने पैरेंथेसिस मैट्रिक्स लिखनी है तो आप पी मैट्रिक्स, अगर आप ब्रैकेट मैट्रिक्स लिखना चाह रहे हैं बी मैट्रिक्स, और अगर आप कर्ली ब्रेसिस वाले लिखना चाह रहे हैं तो कैपिटल बी मैट्रिक्स। और आपने एरे बनाना सीख लिया कि एरे में आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि यहाँ पे कि आपके जो एलिमेंट्स होंगे वो सेंटर्ड अलाइन होंगे, लेफ्ट अलाइंड होंगे या राइट अलाइंड होंगे। और यहाँ पर आपने सीख लिया कि टेबल आप कैसे बनाएंगे और उसमें आपके एलिमेंट्स राइट, लेफ्ट या फिर सेंटर्ड अलाइन होंगे, जैसे भी आप चाहें। और इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने ये 6 कॉलम ही बनाने हैं, आप 10 कॉलम बना सकते हैं। इसी तरह इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने 4 कॉलम बनाने हैं, आप 1 कॉलम बना सकते हैं, 10 बना सकते हैं, 100 बना सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से। इसी तरह इसमें ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपने 3x3 की मैट्रिक्स बनानी है, ये आपके क्वेश्चन पे या आपके डॉक्यूमेंट पे डिपेंड कर रहा होगा कि आप मैट्रिक्स कितने की बनाएंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इक्वेशंस के बारे में देखेंगे कि हम अपने लेटेक डॉक्यूमेंट में इक्वेशन कैसे लिखेंगे, उनको नंबरिंग कैसे करेंगे और उनको अलाइन कैसे करेंगे। तो अगले वीडियो ट्यूटोरियल में हम उनके बारे में सीखेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।